अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। आज हम मैथ्स में न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2। तो सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक भी ओपन कर लीजिए और कॉपीज़ भी ओपन कर लीजिए। मैथ्स की बुक में है पेज नंबर 110। पेज नंबर 110 पर एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, चलिए देखते हैं क्या है। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको यहाँ ये फिगर दी गई है, ये देखिए, और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको फिगर में से फाइंड आउट करने हैं आंसर्स इन क्वेश्चंस के। जैसे फर्स्ट दिया गया है, इफ़ ए इज़ पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इज़ इक्वल्स टू एंगल 5। आपको बताना है अगर ये वाली लाइन जो लाइन है ए और जो बी वाली जो लाइन है, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और इन्होंने आपसे पूछा है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के, यानी ये जो ऊपर वाला एंगल है ये इस वाले ऊपर वाले एंगल 5 के बराबर है, तो ये क्यों है बराबर, आपको ये बताना है। तो मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिए थे एंगल्स के बारे में। चलिए देखते हैं इसको कॉपी में किस तरीके से करना है। सबसे पहले कॉपी में आपको एक्सरसाइज 5.2 मेंशन करनी है, आज की डेट मेंशन करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिखना है सभी बच्चों को। उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे से डायग्राम बनाना है और फिर जो आपसे पूछा गया है वन बाय वन आप क्वेश्चंस के आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट आपसे पूछा गया है, इफ़ ए इज़ पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। आपको बताना है कि एंगल 1 ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 5 ये दोनों आपस में क्यों बराबर हैं, अगर ए और बी आपस में पैरेलल हैं। तो आप सभी बच्चों को याद होगा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ही आपको बताया था जो सेम पोजीशंस पर एंगल्स होते हैं वो किस प्रॉपर्टी से बराबर होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी से बराबर होते हैं। यानी एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के क्योंकि ये सेम पोजिशन पर है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी लग रही है। इसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 7 के बारे में अगर पूछा होता तो ये भी बराबर होते और प्रॉपर्टी क्या लगती है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी, है ना। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी, क्या आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी। अब सेकंड आपसे पूछा गया है क्वेश्चन इसी फिगर में से, इफ़ एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 देन ए इज पैरेलल टू बी। यानी इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एंगल 4 जब बराबर होगा एंगल 6 के तो तब ए और बी जो लाइन्स हैं वो आपस में पैरेलल होंगी, है ना, ए बी लाइन्स आपस में पैरेलल होंगी, तभी तो एंगल 4 जो है वो बराबर होगा एंगल 6 के। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के कब बराबर होगा, पहले तो प्रॉपर्टी बताइए कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। ये देखिए जेड बन रहा है ना यहाँ पर, तो प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। तो आंसर क्या आएगा, आंसर लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी से तो एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, किस प्रॉपर्टी की वजह से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी की वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड पार्ट इसी का, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री देन ए पैरेलल टू बी। यानी अगर ए पैरेलल दी गई है बी के, यानी अगर ए और बी लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो आपसे पूछा गया है एंगल 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हैं तो क्यों हैं, आपसे ये पूछा गया है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और एंगल 4 ये वाला और एंगल 5 अगर इन दोनों का आप सम करेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर है, किस प्रॉपर्टी की वजह से, आपको ये लिखना है। तो प्रॉपर्टी क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल
आर सप्लीमेंट्री, यानी किसी भी ट्रांसवर्सल की एक साइड वाले दो एंगल्स का सम बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। तो थर्ड का आंसर क्या लिखेंगे? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये फिगर दी गई है, ये देखिए, और आपसे यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना है फिगर में से द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर हैं आपको वो आइडेंटिफाई करने हैं। द पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर आपको आइडेंटिफाई करने हैं इस फिगर में से। द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल की सेम साइड वाले आपको बताने हैं। और द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और जो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं आपको वो बताने हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपको कॉपी में इस तरीके से अच्छी सी फिगर बनानी है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखेंगे, और फिर जो उसके 1 by 1 आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप वो लिखेंगे और उनके आंसर्स लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये फिगर है और इसमें से आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं जो सेम पोजिशन पर होते हैं, और सेम पोजिशन पर कौन से हैं। अगर आप लेफ्ट वाली साइड पर देखेंगे तो 4 और 8 सेम पोजीशन पर हैं, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और 3 और 7 सेम पोजीशन पर हैं, तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और फिर आप राइट वाली साइड पर देखिएगा, राइट वाली साइड पर कौन से हैं, एंगल 1 और एंगल 5 आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और एंगल 2 और एंगल 6 आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। चलिए लिखते हैं आंसर क्या है। एंगल 4 और एंगल 8 आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, और एंगल 3 और एंगल 7 आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग्स हैं। ये कौन सी साइड के हो गए? ये हो गए लेफ्ट वाली साइड के। अब राइट वाली साइड के देखेंगे तो एंगल 1 और एंगल 5 आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग्स हैं, और एंगल 2 ये वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल, एंगल 2 और एंगल 6 आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया, अब सेकंड करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं द पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप वापस से इस फिगर को देखेंगे और इसमें से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर्स ढूंढ कर बताएंगे, नीचे लिखेंगे। ये देखिए, इसमें एक तो इस तरीके से जेड बन रहा है, तो इसका मतलब 3 और 5 आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, और एक इस तरीके से जेड बन रहा है ना, तो ये एंगल 2 और एंगल 8 आपस में इंटीरियर एंगल्स होंगे, है ना। तो बस यही लिखना है आपको, ये दो ही पेयर्स हैं इंटीरियर एंगल्स के। तो फर्स्ट है एंगल 2 एंड एंगल 8, ये दोनों आपस में इंटीरियर एंगल्स हैं, और सेकंड पेयर है एंगल 3 और एंगल 5। अब करेंगे नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल्स। आपको इंटीरियर एंगल्स के पेयर बताने हैं। इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके अंदर के जो एंगल्स होते हैं। यानी जब आप यहाँ फिगर में देखेंगे तो ये 3, 2 और 8 और 5 ये इंटीरियर एंगल्स हैं, लेकिन यहाँ पर सेम साइड वाले पूछे हैं। तो अगर लेफ्ट में देखेंगे तो 3 और 8 हैं, और अगर राइट में देखेंगे तो 2 और 5 ये इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना। तो इंटीरियर एंगल्स मैंने आपको क्या क्या बताए हैं? इंटीरियर एंगल्स हैं, पहले लिखेंगे आप आंसर, एंगल 2 और एंगल 5 ये राइट हैंड साइड पर हैं, एंगल 2 और एंगल 5,
और लेफ्ट हैंड साइड पर है एंगल 3 और एंगल 8। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यानी इसका 4 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट। इसमें आपसे पूछा गया है द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आपको इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताने हैं कि इस वाली फिगर में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं। अपोजिट एंगल्स, तो ये देखिए फिगर, आप ऊपर ध्यान से, ये 4 और 2 आपस में वर्टिकली अपोजिट है। मैंने आपको कहा था ना कि ऐसे आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी एंगल 4 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 3, इसी तरीके से एंगल 8 और एंगल 6 और एंगल 5 और एंगल 7, ये आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर्स हैं। तो स्टार्ट करेंगे लिखना आंसर, एंगल 1 और एंगल 3 आपस में हैं एंड एंगल 4 और एंगल 2, इसी तरीके से एंगल 5 और एंगल 7 आपस में अपोजिट एंगल्स हैं एंड एंगल 8 और एंगल 6 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये इस तरीके से फिगर दी गई है, पी और क्यू दो लाइन्स हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है ऊपर से, है ना, और ये एंगल्स बन रहे हैं अंदर। आपसे पूछा गया क्वेश्चन में इन द एडजॉइनिंग फिगर पी पैरेलल टू क्यू, ये जो पी वाली लाइन है ये क्यू के पैरेलल है, फाइंड द अननोन एंगल्स। अब ये देखिए यहाँ आपको 125 डिग्री का एंगल दिया गया है और ई और एफ आपसे पूछे गए हैं, इसी तरीके से ए बी सी डी भी आपसे पूछे गए हैं, आपको सारे एंगल्स बताने हैं और सिर्फ आपको एक ही एंगल दिया गया है 125 डिग्री का। और आपको एक और बात बताई गई है और वो है कि पी वाली जो लाइन है और क्यू वाली लाइन ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो सबसे पहले आप फिगर बना लीजिए, अच्छी सी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, सारी फिगर्स आपको पेंसिल से बनानी है, मैंने पेन से बनाकर दिखाई है। और लिखिए ऊपर क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है, सिर्फ आपको ये वाला एक एंगल दिया गया है, आपसे ई और एफ पूछे गए हैं और यहाँ आपसे ए बी सी डी चारों एंगल्स पूछे गए हैं और लाइन पी और क्यू आपस में पैरेलल दी गई है, बस आपको ये बताया गया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये लीनियर पेयर बन रहा है ना, यहाँ पर एक एंगल आपको 125 डिग्री का दिया गया है और एक साथ में ई एंगल दिया गया है छोटा सा, ये दोनों का सब मिलाकर 180 डिग्री होगा, है ना। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, जब आप 180 में से 125 को माइनस करेंगे तो एंगल ई आ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे आंसर में, सबसे पहले आप लिखेंगे एंगल ई प्लस 125 डिग्री जो आपको दिया गया है, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं 180 डिग्री के, और क्यों हैं बराबर, लीनियर पेयर की वजह से, है ना, लीनियर पेयर बन रहा है। उसके बाद अब आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है जैसे आप करते आए हैं, एंगल ई यहीं रहने दीजिए, 125 डिग्री राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 125 डिग्री हो जाएगा, तो 180 डिग्री में से जब 125 डिग्री को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एंगल ई आ जाएगा 55 डिग्री, यानी ये वाला एंगल आ जाएगा 55 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए एंगल ई और एंगल एफ आपस में क्या है, अपोजिट एंगल्स, तो एंगल ई बराबर किसके हुआ, एंगल एफ के, इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। और प्रॉपर्टी क्या लगेगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या लगेगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। अब आप ध्यान से देखिए, एंगल ई निकल गया, एंगल फाइव निकल गया। अब ये जो एंगल फाइव है अगर आप देखेंगे तो एंगल एफ कितना है, 55 डिग्री, क्योंकि आपस में अपोजिट एंगल्स थे। अब ये जो एंगल एफ है ना, अगर आप इस तरीके से देखेंगे इसको घुमाकर, ये देखिए फिगर को, तो ये जो एंगल एफ है ये जेड बन रहा है ना यहाँ पर, एंगल एफ बराबर किसके होगा, एंगल ए के, तो एंगल ए भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री, ये वाला 55 है तो ये वाला एंगल भी 55 डिग्री हो जाएगा। इसी से ये जो एंगल ए है
और एंगल सी भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ये वर्टिकल या अपोजिट एंगल्स हैं है ना, ये इसलिए बराबर होंगे। तो ये वाला भी 55 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर भी लीनियर पेयर बन रहा है और नीचे भी लीनियर पेयर बन रहा है ना, तो फिर क्या होगा, 180 में से माइनस करेंगे तो ऊपर वाला एंगल भी आ जाएगा और नीचे वाला भी आ जाएगा, ये जो डी है ये भी आ जाएगा और ये जो बी है ये भी आ जाएगा। बस अब इसको सॉल्व करना है। एंगल एफ बराबर है अब एंगल ए के, और क्यों है बराबर, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं है ना, इसकी प्रॉपर्टी से ये दोनों बराबर हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी की वजह से ये आपस में बराबर है। एंगल एफ अगर 55 डिग्री है तो एंगल ए भी 55 डिग्री हो गया। अब एंगल ए और एंगल सी भी बराबर हैं, और ये क्यों है बराबर, किस प्रॉपर्टी की वजह से, अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी की वजह से है ना, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये, इसलिए बराबर हैं। इसका मतलब अगर एंगल ए 55 डिग्री है तो एंगल सी भी 55 डिग्री ही होगा। अब आप एक बार फिगर और ध्यान से देखिए, देखिए ये वाला एंगल 125 डिग्री और ये जो डी वाला एंगल है ये दोनों सेम पोजीशंस पर हैं तो ये आपस में बराबर होंगे। ये वाला एंगल बराबर होगा इसके, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी लगेगी। तो एंगल डी बराबर आ गया है 125 डिग्री, और प्रॉपर्टी क्या लगी, ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स से ये बराबर हो गए। अब जब ये वाले एंगल्स निकल गए, डी एंगल निकल गया, तो डी के बिल्कुल सामने वाला एंगल है बी, इसका मतलब अगर ये 125 है तो ये भी 125 का होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं है ना। तो एंगल डी बराबर किसके हुआ, एंगल बी के, और प्रॉपर्टी क्या लगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। एंगल डी है 125 डिग्री का, तो अगर एंगल डी है 125 डिग्री तो एंगल बी भी कितना होगा, 125 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं क्योंकि ये। तो इसी तरीके से अब आप देखिए, आपने सारे एंगल्स निकाल लिए, सबसे पहले आपने कौन सा एंगल निकाला, एंगल ई निकाला आपने, एंगल ई आया कितना 55 डिग्री, उसके बाद आपने एंगल एफ निकाला, एंगल एफ कितना आया, वो भी आया 55 डिग्री, उसके बाद आपने एंगल ए निकाला, एंगल ए भी कितना आया 55 डिग्री, उसके बाद आपने एंगल सी निकाला, एंगल सी भी कितना आया 55 डिग्री, उसके बाद एंगल डी निकाला, एंगल डी कितना आया 125 डिग्री, और उसके बाद निकाला एंगल बी, और एंगल बी कितना आया 125 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको काम बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, यानी अच्छी हैंडराइटिंग में आप काम करेंगे, डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बनाने, स्केल की हेल्प से बनाइएगा, ऐसे गंदे गंदे डायग्राम नहीं बनाने, कोशिश करिएगा पेंसिल से बनाने की। चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।